कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज व्हाट्सएप ने एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है जिसके बारे में आप जानकर बहुत ही हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों बताने वाला हूँ उस फीचर की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर, तो लास्ट तक देख कर जाइए वीडियो को सॉरी। और नए मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देख के जाइए, क्योंकि ये वाला फीचर काफी लोगों को चाहिए था, काफी रिक्वेस्ट भी इसके लिए आई थी और मैंने भी जो मेल किया था एक बार व्हाट्सएप के लिए इसके लिए व्हाट्सएप को, और काफी बेहतरीन फीचर इसके लिए निकाला है। तो ये फीचर काफी अच्छा है, उम्मीदों से भी बेहतरीन है ये फीचर, और आप अब बतने लग जाएंगे टेक न्यूज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल न्यूटे की जी को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे क्या होगा दोस्तों आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आने की सूचना मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक्चुअली व्हाट्सएप ने जो फीचर लॉन्च किया है उसका एक्चुअली नाम क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो व्हाट्सएप ने काफी दिन से जो अपना रिसर्च कर रही थी कि व्हाट्सएप पर बार बार आप भी देखते हो कि फेक न्यूज बहुत आती है, कि जैसे अभी चल रहा है अभी जैसे लोकसभा जैसे चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव के टाइम पर लोगों का क्या क्या सिस्टम चलेगा कि हम वो वादे कर देंगे, सरकार कहेगी मैं ये वादा कर दूंगा, सरकार कहेगी मैं वो वादा कर दूंगा, बार बार से लोग यही कहेंगे कि मैं ये वादा करूंगा आपके लिए, ये कर दूंगा, राहुल जी भंगड़ा डांस आपके घर पर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह से बार बार आपको परेशान करते रहते हैं इस तरह के मैसेजेस के लिए, और बार बार आपको कॉल करके मतलब आपके पास मैसेज आते हैं कि इसको इतने लोगों को भेजो, ये गणेश जी की फोटो है, इसको इतने लोगों को भेजो, नहीं भेजा तो आपकी माँ मरेगी, आपका वो मरेगा, फलाना मरेगा, ढिमका मरेगा, इस तरह से बार बार आपके सामने न्यूज आती रहती है, या फिर कोई भी न्यूज हो उसकी अपडेट हो आपको लोकसभा चुनाव मतलब जैसे जैसे मोर बदलता रहता है, जैसे कोई फिल्म हो तो मूवी से रिलेटेड उसकी न्यूज आने लग जाती है बार बार, और उस मूवी से रिलेटेड जो भी न्यूज आती है उसको बढ़ा चढ़ा कर बता दिया जाता है आपको, और आपके सामने फेक फेक न्यूज चलने लग जाती है। अब और इसके अलावा क्या क्या न्यूज आती है आपके पास, वो न्यूज आती है कि कोई भी बच्चा मान लीजिए खो गया, वो खोया तो पिछले साल तक था, मतलब पिछले साल खोया था लेकिन उसकी न्यूज अभी भी आ रही है, और वो आपको परेशान के आप सोचते हो कि इसको फॉरवर्ड करे कि नहीं करे, अब उसको क्या पता कि कुछ लोग थे अभी जो एक बच्चा था वो जो उनको मिला, और बच्चे को मिलकर वो बार बार जो है अभी भी जो है घर ही पहुंचा जाता है, कभी स्कूल नहीं जाता है, क्योंकि उसे बार बार घर पे पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि अभी भी जो है लोग उसको देख रहे हैं, उस तस्वीर को देख रहे हैं, तो डेट जो है चेंज करके उसी को फॉरवर्ड करते रहते हैं, एक साल हो या दो साल हो ये इनका काम रहता है, तो फेक न्यूज को बार बार फॉरवर्ड करते रहते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों एक न्यूज बार बार में आपके सामने देखने को इसी तरह से मिलती रहती है कि इसकी मार्कशीट थी भैया आर्मी का सर्टिफिकेट था, ये था अरे आर्मी का सर्टिफिकेट था तो भाई डुप्लीकेट और बन जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यदि होगा तो वो कॉल कर लेगा, लेकिन बार बार उसी को हर बार जो है कॉल किया जाता है हर बार की इसकी मार्कशीट हो गई, उसके ये डॉक्यूमेंट हो गए तो भाई बन जाएंगे दूसरे, उसकी टेंशन मत करो बन जाएंगे दूसरे, डुप्लीकेट बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। एक और हमारे पास अजमेर जो है मतलब जो भी आपका डिपार्टमेंट होता है वहां पहले से एक्स्ट्रा होती है, इसका सोल्यूशन पहले से होता है, यदि नहीं भी मिला तो आप जो है और उसके यदि मार्कशीट ही मिल गई है तो उसका एड्रेस वगैरह भी मिला है, उसमें फोन नंबर वगैरह भी मिल जाता है, तो आप उसके जरिए उन्हें बता दीजिए ना, बार बार व्हाट्सएप पर क्यों कर रही हो, उसके आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट एक साथ मिले हैं तो उनका फोन नंबर भी आपको जरूर मिल जाता है, उसमें एड्रेस है उस पर जाकर ट्राई कर दीजिए, यदि आप उसकी सच में हेल्प करना ही चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप पर बार बार भेज के इस तरह के जो है न्यूज फैलाते मत रहिए। तो दोस्तों इसी चीज से बार बार परेशान होकर के उसी के साथ दोस्तों एक न्यूज क्या आ रही थी कि धर्म संप्रदाय को लेकर जो है बार बार लोग जो है बढ़ाते थे लड़ाई करते थे कि जो खीर दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, इसी तरह के लोग होते हैं जो दोस्तों मुसलमान और हिंदू के बीच जो है भेदभाव पैदा करते रहते हैं, और बार बार में हमें उनसे लड़वाने पर मजबूर करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, अरे किसी को दूसरे अपने आप आगे बढ़ो आप, लेकिन दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश मत करो, आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे, ईर्ष्या भाव बिल्कुल आपको मत रखिए कि आप बार बार उनको मुर्दाबाद बोल रहे हैं। मानता हूं कि हमारे यहाँ भी जो है स्ट्राइक जो है उन्होंने की थी, जो है धोखे से हमला किया था, लोग मारे गए थे, लेकिन खून का बदला खून, खून का बदला वो खून, मौत का बदला मौत, तो दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब मर जाएंगे, बचेंगे तो लास्ट में सिर्फ हथियार बचेंगे, और इस तरह की न्यूज चलती रहेगी और कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो दोस्तों एक कुल मिलाकर मैं बात यह करना चाहता हूं कि समझदारी इस चीज में नहीं है कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देख, समझदारी इस चीज में है कि हम फेंकी हुई ईंट से आसिया बना ले, घर बना ले। तो इसी का सॉल्यूशन लेकर व्हाट्सएप ने अपना नया फीचर लॉन्च किया है, कहां पर चले गए बातों में सॉरी पता ही नहीं चला, तो इसी को लेकर व्हाट्सएप ने अपना नया फीचर लॉन्च किया है, उस फीचर के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों एक कंपनी है चेक पॉइंट टेलीफोन, उस ऐसे नाम से कंपनी है जो कि इस फीचर को लॉन्च किया है। अब एक्चुअली इसके अंदर क्या होगा कि आपको सामने जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं वो नंबर आपको क्या करना है अपने व्हाट्सएप जो मतलब
व्हाट्सएप का अकाउंट है उसके अंदर जाकर आपको सिंपली सेव कर देने हैं। जैसे आप वो नंबर सेव कर दोगे एक बार के लिए, मान लीजिए आपने सिंपली किसी का भी नंबर सेव कर दोगे, ऑटोमेटिक आपको एक अकाउंट मिल जाएगा व्हाट्सएप पर, अपने व्हाट्सएप पर अकाउंट मिल जाएगा चेक पॉइंट टेलीफोन के नाम से। उसके बाद में दोस्तों क्या होगा कि कोई भी फेक न्यूज होगी, मान लीजिए कोई भी फेक न्यूज मैंने डाली, आपने डाली, किसी ने भी आपके पास पेटीएम से पैसे वगैरह वाली न्यूज डाली, तो आपको डायरेक्ट उस न्यूज को उनके पास शेयर कर देना, कुछ नहीं करना, उनके पास फॉरवर्ड कर देना है। जैसे आप उनके पास फॉरवर्ड कर दोगे वो आपको चेक करके बताएंगे कि ये न्यूज सही है कि गलत है, वो आपको तुरंत रिप्लाई दे देंगे और वो आपको बताएंगे कि हाँ भाई ये न्यूज सही है या न्यूज गलत है, इस तरह से है, इस तरह से चल रही है, उसके बारे में आपको डिटेल्स दे देंगे सही है कि नहीं है, आप ज्यादा फॉरवर्ड ना कीजिए। और जैसा कि मैंने बताया है कि ये कानूनन जुर्म भी हो सकता है और आपके लिए जो आपके अकाउंट भी जो टर्मिनेट किया जा सकता है, बंद भी किया जा सकता है व्हाट्सएप की तरफ से, तो इस तरह के मैसेज बार बार फॉरवर्ड मत कीजिए। आपको किसी संप्रदाय से जो है बार बार में इस तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आप अपने काम करते रहिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। ये जो है राजनीति का खेल है, ये राजनीति का खेल आपको पता भी नहीं चलेगा किस मोहजाल में आप फंस गए हो, ये सारा राजनीति का खेल है। ये धर्म संप्रदाय पर भड़काना, ये सब आपको जो है काम में लेकर किस तरह से अपना काम निकलवा लेते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। और इसी पर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि इस दो कोड़ी की राजनीति ने घाटी को सरदर्द बनाकर छोड़ा है, भारत माँ के सैनिक को ना मर्द बनाकर छोड़ा है। तो दोस्तों मैं शंकर आपसे फिर मुलाकात करूंगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों मैं शंकर आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।